Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and so guys, hello and welcome back to my channel. एंड यार मैं ना आज बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, तो मैं बहुत जल्दीबाजी में व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके लिए सॉरी. मैं पूरी कहानी आपको बाइक पे बैठ के बताऊँगा. अभी हम लोग जा रहे हैं देहरादून, रॉयल इनफील्ड का कोई इवेंट है, उसके लिए मैं ये सारी कहानी आपको बाइक में बैठ के बताता हूँ. फिलहाल के लिए तो कोल्ड स्टार्ट करता हूँ उसे जल्दी से. एंड जब तक ये कोल्ड स्टार्ट हो रही है, तब तक मैं अपना हेलमेट वगैरह पहन के रेडी होता हूँ और मैं आपको सारी कहानी गोप्रो में बताऊँगा. नमस्ते भाई. नमस्ते. बढ़िया है, बढ़िया है. सब्सक्राइब करावा ना चैनल, फैला दियो सब जगह, ठीक है. चलो मिलता हूँ फिर, अभी लेट हो रहा था यार थोड़ा, ठीक है. बाय बाय. पानी पानी हो रखा है पूरा, बारिश. तो अब मैं आपको कहानी बताता हूँ कि कहानी हुई क्या. एक्चुअली कल रात को हमारा प्लान बना था देहरादून जाने का आज सुबह के लिए, क्योंकि रॉयल इनफील्ड का कोई इवेंट है आज देहरादून में, तो वो इवेंट अटेंड करने जाना था हमें. बट सुबह मैं 6:30 बजे उठा तो देखा यार बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि पूरे भीग जाते हम जाते जाते, इसलिए सुबह से प्लान पोस्टपोन होते होते अभी 9 बज रहे हैं और अब मैं निकल रहा हूँ घर से इवेंट के लिए. वैसे तो इवेंट दिन तक है पूरा, तो अभी हम लोग बहुत लेट चल रहे हैं यार. और बाकी जो सारे ऋषिकेश राइडर्स आ रहे हैं रॉयल इनफील्ड वाले, वो लोग मुझे नेपाली फार्म पे मिलेंगे. सो नेपाली फार्म पे हम उन्हें कैचअप करेंगे. बस यार परेशानी है तो वो है बारिश की. ये देखो पानी कितना भर रखा है, ऐसे पानी में तो क्या ही हाल होंगे. वैसे तो मैंने अपने बैग में रेनकोट रख रखा है अगर बारिश होगी. भयंकर इतनी बारिश में भी जाम लग रखा है इतना, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं इतने लोग यार. अब मैंने माइक पूरा नया सेटअप कर दिया है, तो इस वीडियो से आप ऑडियो क्वालिटी बताना कि कैसी आ रही है. अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है, विंड नॉइज़ आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना. जहाँ तक मेरी उम्मीद है अब ऑडियो बिल्कुल एकदम क्लियर आ रही होगी. रहे सारे भाई लोग, क्या हाल चाल है? बढ़िया. क्या हाल है भाई? भाई बढ़िया बढ़िया भाई. कैसे हो भाई? अच्छा. हेलो. लगा लूंगा, एक दो दिन में लगा लूंगा यार. चले गाइस, बाइक मैंने अपनी डाल ली है रेन मोड में, क्योंकि इसमें स्लिप नहीं होती बाइक बिल्कुल भी, ट्रैक्शन कंट्रोल फुल पे रहता है इसका. बस यार ये बारिश तेज ना हो, वरना मुझे गोप्रो निकाल के ना अंदर रखना पड़ेगा, फिर हो जाएगी दिक्कत. क्योंकि ये माइक अडैप्टर के साथ वाटरप्रूफ नहीं रहता गोप्रो. एंड गाइस आज हम लोग बिल्कुल आराम आराम से ही चल रहे हैं अंडर 80, बिकॉज मौसम ही ऐसा है, रोड इतनी स्लिपरी है. बट यार ऐसे मौसम में राइड करने का भी ना बिल्कुल अलग ही मज़ा है. मतलब बिल्कुल डार्क डार्क सा मौसम रहता है और वेदर एकदम मस्त है. एक तो मेन चीज़ है कि इसमें गर्मी नहीं लगेगी आपको, तो बस बारिश का पंगा है इसमें. अगर बारिश ना हो तो अच्छा है, बारिश भी हो जाए तो उसका भी अलग मज़ा है. बस पूरा यार भीग जाते हैं उसमें दिक्कत है, बाकी इस मौसम का मज़ा भी अलग ही है यार. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts. And guys, ye check karo, ab aage pura foggy fog ho rakha hai. Ekdam mast weather ho rakha hai. Feeling okay, just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't. इस टाइम यार पहाड़ों में इतना मस्त मौसम हो रखा होगा ना.
मसूरी में तो एकदम पूरा फॉग ही फॉग हो रखा होगा रोड पर यार. This way, I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never. मेरी बाइक में अभी उतनी आवाज भी नहीं आ रही है क्योंकि डीपी किलर मैंने लगा रखा है. डीपी किलर लगा के यार बिल्कुल ही साइलेंट हो जाती है. ऐसा लगता है बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क आ गया है. कभी कभार तो भयंकर ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं स्टॉक एग्जॉस्ट लगा के चल रहा हूँ. और डीपी किलर निकाल के बहुत ही ज़्यादा लाउड है. भयंकर माइक कैप्चर नहीं कर पाता यार उस आवाज़ को ढंग से. तो बहुत ही ज़्यादा लाउड है डीपी किलर निकाल के. वीडियो में फिर भी इतना पता नहीं चलता है लेकिन रियलिटी में यार बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाती है वो. एंड फाइनली हम पहुंच गए इतने बढ़िया मौसम के बाद. यहीं पर इवेंट है सिटी जंक्शन मॉल में. ये रही इवेंट की एंट्री. सो यहाँ से हम लोग एंट्री ले रहे हैं अंदर. यहाँ पूरा शूट चल रहा है अच्छे से. सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ इवेंट पे. और ये देखो मेरे माथे में पूरा ही बलक लावा का निशान पड़ चुका है. लेकिन मौसम मस्त था और राइड करने में बहुत ज़्यादा मज़े आए. अभी यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि इन्होंने यहाँ पे एक ट्रैक बना रखा है. उस ट्रैक में हमें इनकी बाइक्स मिलेंगी टेस्ट करने के लिए. तो उसकी टेस्टिंग हम करेंगे यहाँ पे और ट्रैक टेस्ट करेंगे तो बताएंगे कि कैसी बाइक्स है क्या है. ठीक है यार बाइकिंग कम्युनिटी काफ़ी ग्रो हो रही है. मतलब अच्छा खासा हर कोई अब इवेंट कर रहा है. KTM तो खैर काफ़ी पहले से करता है बट रॉयल एनफील्ड भी इस चीज़ में आगे आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है. बाइकिंग कम्युनिटी यार काफ़ी ग्रो होनी चाहिए इसलिए. तो बाकी अब अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं और रजिस्ट्रेशन करके साइन अप करते हैं फिर आपको मिलते हैं. यहाँ चल रहा है अभी रजिस्ट्रेशन. I just wanna stay bad, stay mad, shit by my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot. And ye dono apni bikes hone wali hai jo hume track pe milegi. Royal Enfield ki Scram, Himalayan Scram. Ye dono. तो दो दो करके राइडर्स जाएंगे. यहाँ से शायद स्टार्टिंग पॉइंट है एंड ये पूरा ट्रैक है. यहाँ पे इस पूरे ट्रैक से ये वाला एंडिंग पॉइंट होगा. ये सारे ऑब्स्टेकल्स क्लियर करके जाने पड़ेंगे. इन्होंने कोन्स बीच में लगा रखे हैं. इन सारे कोन्स को क्लियर करके वहाँ से ऑब्स्टेकल करके और फिर यहाँ पे आना पड़ेगा. एंड यहाँ पे अब चेक हो रहा है पूरा का पूरा ट्रैक. पूरा ट्रैक चेक कर लेंगे एक बार कि क्या क्या कहाँ कहाँ पर ऑब्स्टेकल्स हैं तो क्लियर हो जाएगा ना. चलने में इजीली होंगे. क्यों बोल रहा हूँ? स्लिपरी. इट इज स्लिपरी. ठीक है कल तक तो ठीक था, आज बारिश हो गया तो गीला हो गया. तो पैर नीचे नहीं रखना. ठीक है पैर नीचे रखोगे स्लिप हो जाएगा. तो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो. पैर नीचे नहीं रखना. सो गाइस आपने ट्रैक तो देख लिया कि ट्रैक कैसा था. मज़ा तो बहुत आने वाला है लेकिन वो जो स्लिपरी ऑब्स्टेकल है ना मैं तो उसमें से पक्का जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल चुल लेने की आदत है ऐसी चीज़ों से. तो वो स्लिपरी बहुत ज़्यादा. एक तो क्या है ना उसमें प्राइमर कोट मार रखा है पेंट का कली और रात भर बारिश थी तो वो गीला है और वो प्राइमर कोट सूखा नहीं तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रखा है. उसमें टायर स्लिप होने के मैक्सिमम चांसेस हैं. देखते हैं यार होगा तो ठीक है वरना गेयर अप तो हम पूरे होके जाएंगे. एल्बो गार्ड, नी गार्ड, ग्लव्स एंड हेलमेट हम पूरा बिल्कुल गेयर अप होके इस ट्रैक में परफॉर्म कर रहे हैं. ईजी. नी गार्ड तो पहन लिया हमने. अब जैकेट पहनते हैं और जैकेट पहन के पूरा रेडी होना है. तो गाइस ग्लव्स ग्लव्स पहन के पूरा रेडी हो चुके हैं. अब जाते हैं इस ट्रैक को फोड़ने के लिए ढंग से. इसकी बजा के आते हैं आज. यार ये करने में तो भयंकर बहुत फुल मज़े आ रहे हैं. इजी लग रहा है यार. बहुत दूर से लग रहा था बस कि थोड़ा हार्ड लगेगा बट रियलिटी में देखा जाए तो काफ़ी इजी है. एंड इसमें हम जंप लेने जा रहे हैं फिर से. Easy track, easy.
एंड गाइस अभी मैं बाइक पूरी ट्रैक पे चला के आया तो मज़ा तो आया, लेकिन इतना कोई हार्ड ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत छोटा सा ट्रैक है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ख़त्म हो गया। बस जो वो बम्प आता है ना, वो थोड़ा स्लिपरी था, लेकिन उसमें बैठ के तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। टायर्स के ऊपर से बहुत ईजिली निकल गई थी बाइक, बहुत ईजी था, कुछ ऐसा खास नहीं था। ये देखो आप, ये वाला जो था इसमें थोड़ी सी बाइक यहाँ पर जंप हो रही थी यहाँ पर, फिर उसके बाद ये टायर्स थे, इन टायर से भी बहुत ईजिली निकल रही थी बाइक, लेकिन ओवरऑल ठीक था, अच्छा एक्सपीरियंस था। अब हम लोग बस थोड़े रिफ्रेशमेंट्स वगैरह लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं यार, क्योंकि बारिश भी हो रही है अब और भीग के जाने का बिल्कुल भी मन है नहीं हमारा। एंड गाइस आज पता है हम देहरादून क्यों आए थे? राइड के लिए थोड़ी ना आए थे, पेटीज खाने आए थे हम। हम आए थे पेटीज खाने। ये देखो पनीर वाली है, दो पीस, एक पीस है, दो तो खाएंगे यार, कम से कम इतनी दूर से आए, पेट्रोल लगा के आए तो फिर। हाँ तो इतना तो बनता है, जैकेट के पैसे भी तो निकाल रहे हैं। हाँ जैकेट के पैसे भी तो हैं, कुछ नहीं करते आए तो हम पेटीज खाने के मेन बस। हाँ फ्री का कुछ नहीं छोड़ना भाई, कम से कम दो खाएंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं है। चलो खा के मिलते हैं आपसे। सो गाइस इवेंट तो यहाँ हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं थ्रॉटल श्रॉटल, थोड़ा चिल कर लेंगे वहाँ पे, चिल करेंगे, बैठेंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए। अभी मुझे ये सारे बोल रहे थे यार कि डीपी किलर निकाल दो, मैंने निकाला नहीं यार, क्योंकि देहरादून में ना पुलिस का बहुत ज़्यादा सीन है एंड डीपी किलर निकाल के बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाती है। ना यार एक बार अगर आपका हाथ बैठ जाए ना ट्रैफिक में तो बिल्कुल गोली भाई, गए बिल्कुल गोली, बहुत भयंकर मशीन है यार। एंड गाइस आज सैटरडे है ना, तो देहरादून में इतना ज्यादा रश हो रखा है, ये देखो जरा कितनी भीड़ लग रखी है। ये भीड़ सिर्फ डियर पार्क जाने के लिए है, यहाँ का देहरादून का जू, यहाँ के लिए भीड़ देखो जरा आप। हम पहुंच चुके हैं थ्रॉटल श्रॉटल, यहाँ पर अपनी बाइक लेकर जाएंगे ऊपर, यहाँ से जाएगी अपनी बाइक ऊपर। थ्रॉटल श्रॉटल का यही यार, आप अपनी बाइक ना बिल्कुल अपनी टेबल के बगल में पार्क करो और वहाँ पर खाओ, तो उसका मज़ा ही अलग है।
गई है अपनी। सो मैं आपको कैफे का थोड़ा ओवरलुक देता हूँ, यहाँ हम सबकी बाइक्स खड़ी हैं पूरी, एंड ये रही अपनी गंदी बहुत हो रखी है, कोई नहीं नेवर माइंड। ये पूरा सीटिंग का एरिया, म्यूजिक बढ़िया। तो बस यहाँ पर अभी कुछ खाते पीते हैं और निकलेंगे फिर थोड़ी देर में यहाँ से खा पी के मस्त चिल करके। तो ये आ चुका है अपना खाने पीने का सामान, भूख लग रही बहुत ज़्यादा, इसमें तो टूट पड़ो बस सीधे, मस्त लग रहा है एकदम देखने में। कोल्ड कॉफ़ी, ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा यार, खा के मिलता हूँ मैं सीधे। एंड एक स्पेशल चीज़ है हमारे साथ, वो है ये RX 100। ये RX 100 पूरी मॉडिफाइड है, पूरी इसका चेसी कट के सब कुछ दोबारा लगा हुआ है, सब कुछ मॉडिफाइड है। इसका वेट सिर्फ 70 किलो है एंड ये ड्रैग में इतनी तेज़ है ना कि ये इसको भी हरा देती है। GT 650 को सोचो, ये RX 100 हरा देती है। तो यार ये बहुत क्रेजी मशीन बना रखी है, ये हो सकता है जीनोसो से भी आगे चले जाए ड्रैग में स्टार्टिंग में फर्स्ट गियर में, लेकिन बहुत क्रेजी है यार ये। और इसकी आवाज़ भी इतनी ज़्यादा लाउड है, बिल्कुल कैसी आवाज़ है। भाई सेम ऐसी आवाज निकालती है। हम लोग जा रहे हैं अब घर की तरफ, यहाँ पे आज का दिन होता है एंड आज बहुत ही ज्यादा मजा आया यार हमें तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर छोड़ना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।